Welcome friends, welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us a trained pianist, Niyati Chetranj with us. Niyati ne 4 saal ki umar se piano bajana shuru kiya and a year later she started pursuing the graded exams in piano from the Trinity College London and has cleared 2 levels till now. Niyati, welcome to the show. Aapka swagat hai. Hello, kaise ho aap? मैं ठीक हूँ। हेलो नियति, ठीक है? अच्छा, गुड। आप 4 साल के थे जब से आपने शुरू किया पियानो बजाना, राइट? जी जी। अच्छा, और सबसे पहले आपने कहाँ देखा, आप हमें थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। आपने सबसे पहले पियानो कहाँ देखा, कब देखा, किसी को बजाते हुए देखा या मूवीज में देखा, वो बताओ हमें जरा। कैसे पहुंचे आप पियानो तक, कैसे पहुंचे? एक बार मैं अपने मामा के घर गई थी, वो रात को प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे आवाज आई। जब मैं रूम में गई अच्छा, तो मैंने जी, देखा कि वो बजा रहे हैं और जैसे उन्होंने ट्यून बजाई लगभग वैसी मैंने बजा के दिखा दी और बाकी सब बड़ों ने बोला कि मुझे सीखना चाहिए। अच्छा, कौन सी ट्यून बजा रहे थे और मामा मामा जी सीखते हैं? मामा जी कहाँ पे पियानो बजाते हैं? नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। मतलब मामू कहाँ रहते हैं? मामा जी कहाँ रहते हैं मामा? अच्छा, आप ये बताओ कि कौन सी ट्यून बजा रहे थे? अच्छा, बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, और कौन सी ट्यून बजा रहे थे ये बताओ। आपको आपने जो आपको कॉपी करी आपने फिर उनको याद नहीं है, पर आप छोटे से थे तब, लेकिन आपने कॉपी करके सेम टू सेम बजाई। अच्छा, और अभी आप हो 8 इयर्स के, राइट? 8 इयर्स के हो अभी, और कैसे सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो? ये ट्रिनिटी कॉलेज से कैसे आप सीख रहे हो ये बताओ, क्या सीखा आपने? अभी 100 से भी ज्यादा सॉन्ग सीख लिए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और 100 सॉन्ग्स कौन, मतलब कौन से, इंग्लिश के सॉन्ग्स, हिंदी के सॉन्ग्स, कौन से सॉन्ग्स हैं? इंग्लिश हिंदी दोनों। इंग्लिश हिंदी दोनों है, और कौन सिखाता है, कैसे सीखते हो, थोड़ा सा बताओ हमको ना। हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे सीखते हैं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से, हम तो कभी गए नहीं लंदन। आप बताओगे तो हमें पता लगेगा। इंग्लिश में तो हमें जी हमारी मैम सिखाती है, लेकिन हिंदी में मैं गूगल से नोट सर्च करके अपने पियानो के हिसाब से बजाती हूँ। अच्छा, और उसमें हेल्प कौन करता है? मम्मा हेल्प करती हैं आपकी? हाँ, आपकी मम्मा हेल्प करती हैं। अच्छा, आपकी मम्मा बता रही थी कि आप स्टडीज में भी बहुत अच्छे नंबर्स लेके आते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तो कैसे करते हो दोनों चीजें, पियानो कितनी देर बजाते हो और पढ़ाई कितनी देर करते हो स्कूल से आने के बाद? मम्मा ने बोला है कि रेस्ट करने के बाद अगर आप 2 आवर्स पढ़ाई करोगे तो 1 आवर म्यूजिक करना पड़ेगा। अच्छा, वो आप करते हो रेगुलरली, 1 आवर प्रैक्टिस करते हो और फिर 2 घंटा पढ़ाई करते हो, राइट? यस। और कौन सी क्लास में है नियति अभी? फोर्थ में हो, पर अभी तो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, सारा स्कूल के पढ़ाई कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आपकी? यस। क्या क्या पढ़ाई करते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हो आजकल? अभी इंग्लिश, हिंदी, फाइव सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन स्कूल में कह दिया है कि रोज 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस होया करेंगी अलग अलग। ओके, अच्छा, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सब पढ़ते हो? जी। राइट राइट। और पियानो आप फिर 1 घंटे बजाते हो, 1 आवर बजाते हो एवरीडे एवरीडे? और संडे को, संडे को तो छुट्टी होती है पढ़ाई की, फिर क्या करते हैं? तो संडे को पढ़ाई नहीं करती, 2 आवर्स पियानो बजाती हूँ। 2 आवर्स पियानो बजाते हैं, 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में, राइट? और आपको सिखाने कोई आता है घर पे, कोई सिखाने आता है आपको कि आप ऑनलाइन ही सीखते हो सारा? मैम आपको ऑनलाइन सिखाती है कंप्यूटर से? पहले तो वीक में मैं 2 दिन चाणक्यपुरी जाती थी, लेकिन अब स्काइप पे ऑनलाइन अच्छा, क्लासेस हो रही हैं।
अच्छा, और वहां पे कौन सिखाता था आपको? कोई इंस्टीट्यूट है क्या है? नेहा चावला मैम सिखाती थी। वहां पे वहां सिखाती है मैम। ओके, और कौन से स्कूल में हो आप? आपने स्कूल का नाम तो बताया नहीं हमें। अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में, विवेक विहार। विवेक विहार में है। ओके, और वहां पे आपको कोई स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, वो भी आपको सिखाते हैं? आप स्कूल में बजाते हो कभी कभी, जैसे कोई फंक्शन होता है या इवेंट होता है तो आप पियानो बजाते हो वहां पे? अच्छा, और कैसे बजा, क्या करते हो? अभी मम्मा आपकी बता रही थी पीछे मेरी, उनसे बात हो रही थी कि आपने कोई अवार्ड ववार्ड जीता है, क्या जीता है? अवार्ड जीता है नियति ने? हाँ, कौन सा अवार्ड जीता बताओ? मिला था ना एक अवार्ड नियति को? अच्छा, और अच्छा इसके अलावा क्या करते हो जब आप पियानो नहीं बजा रहे होते हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हो उसके अलावा? मैं फोन पे पियानो के वीडियोस देखती हूँ और नए सॉन्ग्स के नोट सर्च करती हूँ। ओके, नहीं पियानो के अलावा, मतलब पियानो के अलावा आप कलरिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, आर्ट में इंटरेस्ट है, या आप और कुछ करते हो? जब आप पियानो के साथ नहीं होते हो तब आप क्या कर रहे होते हो? मैं टीवी देखती हूँ, रामायण। टीवी देखते हो? क्या देखते हो टीवी में? रामायण देखते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं देखते? रामायण देखते हो बस। जी, अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट म्यूजिशियन कौन है, सिंगर कौन है? इंटरेस्ट तो होगा ना? ए आर रहमान ए आर रहमान सर। कौन कौन से उनके म्यूजिक अच्छा, कौन से उनकी कंपोजिशंस अच्छी लगती हैं आपको? कौन से सर। दिल गाने ये उनके छोटा अच्छे सा। लगते हैं? दिल ये छोटा सा आपको बजाना आता है वो? जी, बजा के सुनाओ हमको, बजा के सुनाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा और कौन कौन से म्यूजिक? अच्छा, इंग्लिश का कोई आप हमें सुनाओ। आपने इंग्लिश का सुना, आप बोल रहे थे ना आपने इंग्लिश के भी सीखे हैं बहुत सारे कंपोजिशंस, बहुत सारे गाने। कौन से सीखे हैं, कौन कौन से सिंगर्स के सीखते हो, कैसे सीखते हैं? हमें तो पता ही नहीं है ये बात। लंदन में जो बड़े बड़े पियानिस्ट होते हैं वो ट्यून कंपोज करके बुक्स देते हैं, तो उन बुक्स से मैं सीखती हूँ। अच्छा, और वो बुक्स कैसे मिलती हैं? ऑनलाइन मिल जाती हैं, कंप्यूटर पे देख हाँ लेते हैं हम लोग। जी, अच्छा, और वो आप देखते हो और फिर उसको सीखते हो, और नोट्स देखते हो और फिर उनको बजाते हो, राइट? यस। ओके, बजा के बताओ कोई इंग्लिश वाला जो आप बता रहे थे लंदन का। पर्शियन हॉलिडे। बजाओ। Thank you.
वेरी नाइस। और ये कौन सा कंपोजिशन था ये तो आपको बताना पड़ेगा। थी कंपोजर का नाम याद नहीं है। अच्छा, कौन से वाले कंपोजर का नाम याद है? अभी ना आपका फोटो भी स्टिल हो गया है, आपकी मम्मा आसपास हैं? हेलो यस नियति, आपकी मम्मा आसपास हैं? हाँ आपकी आपका आपका फोटो स्टिल हो गया है, आपका वीडियो नहीं आ रहा मेरे पास। मम्मा को बोलो एक बार देख चेक करें। फोटो स्टिल हो गया है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, ऑडियो ठीक आ रहा है लेकिन फोटो नहीं आ रही है। मम्मा को बोलो एक बार चेक करें। अच्छा, आप साथ साथ हमें ये बताते जाओ, आप और क्या क्या करते हो पूरे दिन में, क्या कर रहे हो आजकल, कैसे पढ़ाई करते हो पूरे दिन में? नियति क्या करती है आज? पहले तो सुबह उठ के ऑनलाइन क्लासेस के बाद थोड़ा सा म्यूजिक करती हूँ, फिर शाम को रेस्ट के बाद पढ़ाई के बाद फिर दोबारा म्यूजिक करती हूँ। तो आप 1 आवर करते हो, उसके बाद फिर आप रामायण देखते हो, और उसके बाद फिर आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो या पेंटिंग करते हो, कुछ और भी करते हो साथ में कि बिल्कुल कुछ नहीं करते, खाली म्यूजिक करते हो और कुछ नहीं करते? स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ। स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, कौन कौन सी बुक्स पढ़ती है नियति? रामायण की स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ। बस आप खाली रामायण पढ़ते हो? और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है रामायण में? राम जी। राम जी हैं। क्यों अच्छे लगते हैं राम जी आपको? क्योंकि उन्होंने रावण को हराया था। अच्छा, और रावण रावण को क्यों हराया था ये पता है आपको? क्यों हराया था बताओ? क्योंकि जब उसे शिवजी से शक्तियां मिल गई थी तब वो उन शक्तियों का गलत यूज कर रहा था, तो इसलिए राम जी ने उसे युद्ध में हराया। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा, और स्कूल के अलावा आप क्या करते हो? स्कूल तो आजकल बिल्कुल नहीं जा रहे हो ना, छुट्टी है बिल्कुल, फुल फुल छुट्टी। अभी अभी हमें नियति क्या और क्या सुनाएगी, और नियति कौन सी कंपोजिशन हमें सुनाती है बहुत अच्छी वाली, जो नियति की फेवरेट है, सबसे फेवरेट कौन सी कंपोजिशन है नियति की? हिंदी की है कि इंग्लिश की है? इंग्लिश की। इंग्लिश की कौन सी है सुनाइए? द रोबोट। द रोबोट, ये किसकी है? कलम। ओके ओके, चलो वेरी नाइस, सुनाइए, चलिए देखते हैं हम कैसे सुना बनाते हैं, आप बजाओगे। वेरी नाइस, अब आप अपना माइक और ये अपने ईयरफोन्स मम्मा को दो, मम्मा से बात करेंगे। मम्मा को बोलो सामने आए। यस सर। दिव्या, थोड़ी सी बातें पूछनी है, ऑब्वियसली विच नियति ऑब्वियसली कांट टेल अस। इसका इंटरेस्ट आप बता रही थी कि 4 इयर्स की एज से शुरू हुआ और अपने मामा के घर से हुआ, तो योर ब्रदर इज इनटू म्यूजिक और समथिंग, क्या था थोड़ा सा बैकग्राउंड नियति के बारे में? My cousin is like into music. Okay. And he is also a child prodigy, so he was Achha, also he okay. started playing he start, my cousin started playing when he was like 6 or 7 years old, so from okay. there he started picking up and he has been like into music for now, he has very recently crossed 12th class and is learning okay. music from some Bombay university. He has attended done a diploma from A.R. Rahman Institute in Chennai. Oh wow, achha, that's interesting. Along with his studies.
similarly, so when we went to his residence once, she also tried and like followed his trends. He used to play. She just used to observe it and try to copy the best way she could. So from there we recognize that she had also a talent. There are certain institutes in Delhi. We had put in a local institute initially, but there she was not interested, because generally it happens that in India, like, they play instruments with one hand only, because that's more that's classical. Right, way. Since she was into, like, she has always observed him working on with two hands on piano, so she also wanted to play that. I want to do with both my hands. So that was only possible with the Western classical. So we started looking for teachers, and I went to various places. So we found certain teachers in my area, and now she's doing her graduation. She would be giving her second year papers. Initial and first level she has already cleared with Flying Colors. Once she cleared with 85%, the other one was 87%. Oh wow! So it was that's fair. Along with her studies, she is pretty good in studies, and a recent interest of hers has been into poetry writing as well. She has composed. Acha, oh, that's interesting. Okay. She writes in Hindi. She writes in Hindi and has composed. Acha, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, कैसे भी लिखे हैं. Nice. अच्छा, पर ये Trinity College लंदन के बारे में कहाँ से पता लगा दिव्या? Trinity College, actually we went to this teacher, Miss Neha Chawla, and she only told us that because we want, since our interest was so that we wanted to conduct a formal education for her. We wanted that the talent should not go waste. So from there, the teacher only guided us that from across the world, there are two institutes primarily which are working in this music field, in the Western music field, and on the top of the Trinity College, London. So we got registered to this teacher only, and she registered us. Right now also, because the online exams are going on, so we have this year also, we have registered for an online exam for a second year exam. Okay. That's interesting. और इसके अलावा और क्या क्या करती है? ये तो बता भी नहीं रही है नियति कि ये और क्या करती है पढ़ाई के अलावा. पढ़ाई के अलावा she is into poetry writing. She is a very otherwise a very quiet child. She is not destructive at all for that matter. Not at all destructive. She tries whatever she could, like she does painting, like थोड़ा बहुत she does painting. Rest, she utilizes her time in music only. Maximum time goes in music after studies. Maximum time goes in music basically. So, okay. Music basically. The next hobby which we have only like very recently during this corona period only, she has started poetry writing. Nothing beyond. Writing poetry. Okay. और अभी को award भी मिला था, इसको कोई recognition मिला था. She was about to tell me and then the thing got disconnected. She has received a lot of awards. Very recently, she was on All India Radio for her interview for during this lockdown. She has played, learned. In fact, during this lockdown only, she has learned over 100 songs, specifically in Hindi. And she was playing from her balcony because following the social distancing thing, we never allowed her to go outside. So from our balcony itself, she used to play for around half an hour in the evening, and it was appreciated. Everyone came into their balconies itself, and everyone appreciated her effort. Interesting. So that That's was covered by All India Radio. Which and as far as awards are concerned, she got recognition from the local MLAs. She has been getting certificates from local MLAs for her Contribution and the music. Okay. Okay. Okay.
student like to go to the school, and since he is naturally not able to meet her friends, meet her teachers, so with that experience only itself, she has written a poem. एक बात बताओ नेति, जब तक मम्मा लेके आ रही है, अभी आप ये बताओ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, पियानिस्ट बनना चाहते हो, कि कुछ और बनना चाहते हो? मैं एआर रहमान सर के साथ बजाना चाहती हूँ और पियानो टीचर बनना चाहती हूँ। पियानो टीचर बनना चाहते हो बड़े होके? वेरी नाइस, दैट्स गुड। अच्छा, आगे पोएम मिल गई आपको? आगे आपके हाथ में पोएम? सुनाओ। अरे कोरोना तूने कैसे दिन दिखलाए, मित्र मंडली छूटी, घर में बैठे हम बोर आए, आते हैं अब याद हमें अपने सहपाठी, टूटा पढ़ने का क्रम, नियमित जीवन की परिपाटी, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, घर में रहकर हमने जाना, घर में हरदम मार डांटते और डांटते नानी नाना, जल्दी स्कूल खुले तो हम दौड़े दौड़े जाएं, मैडम जी से निज परिचय फिर ऐसे हम करवाएं, हमने घर में क्या क्या सीखा ये उनको बतलाएं, मित्र मंडली से मिलकर फिर खेले कूदे गाएं, हे ईश्वर जल्दी से अब तुम यह रोग मिटा दो, स्वस्थ रहें सब बच्चे उनका बचपन तुम लौटा दो, स्वस्थ रहें सब बच्चे उनका बचपन तुम लौटा दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इसको इसको आपने म्यूजिक में कंपोज नहीं किया, इसको म्यूजिक में कंपोज कर सकते हैं ना? कुछ प्लान है, बनाया प्लान कि इसको इसको म्यूजिक में अपन बनाए, कर सकते हैं ना कि नहीं सोचा अभी? कर तो सकते हैं, फिर हम सोचा अगली तो था लेकिन पर अभी अभी हुआ सोचा नहीं था लेकिन नहीं पाया। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात करेंगे तो आप बना के रखना, फिर हम अगली बार सुनेंगे इसका म्यूजिक, ठीक है? ठीक है। और एक एक हम जब आपसे बाय करेंगे उससे पहले एक अच्छा सा कोई अच्छा सा गाना हमें सुना दो हिंदी का। कौन सा सुनाओगे आप, कौन सा बजाओगे जो आपका फेवरेट है हिंदी फिल्म का? बॉम्बे मेरी जान। बॉम्बे मेरी जान सुनाओ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नियति, एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ और जल्दी से आप ए आर रहमान सर के साथ आप पियानो बजाओ और उनके साथ म्यूजिक कंपोज करो, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।